मंत्री जी हैं किरोड़ीलाल जी, मेरे को पता है पर मैं आ रही हूँ ना, नीचे आ रही हूँ, नीचे आ रही हूँ, हटो ना इसका, रात में बदमाशी कर रही है। किसके साथ आई हूँ? क्या रात में कहीं की बात करनी है? रात में तो आप ही तो आए हैं, रात में तुम कहीं की बात कर रहे हो? रात में सर ऐसा क्यों गुस्सा कर रहे हो? He is my man. वो मेरा आदमी है जिसको आप पकड़ रहे हो। आदमी क्या होता है सर? आदमी क्या होता है? चुपचाप नहीं चल रहा मकान मालिक है तो कौन ऊपर ऊपर सुनते हैं ऊपर ऊपर। देर रात महिला SHO किसी के घर पहुंची, पीछे पीछे राजस्थान कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी उनके घर पहुंच गए। मंत्री जी SHO को नीचे आने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि जिसे तुम पकड़ने आई हो वो मेरा आदमी है। बदले में SHO कहती हैं मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूं। इसके बाद दोनों की वहीं पर बहस शुरू हो जाती है। झगड़े में मंत्री जी अपना आपा खो बैठते हैं, बदले में SHO भी बराबर उन्हें जवाब देती रहती है। लेकिन SHO इतनी देर रात किसके घर पहुंची थी? कमरे में बंद ये शख्स कौन है और किरोड़ी लाल मीणा का उस व्यक्ति से ऐसा क्या संबंध है कि उसे बचाने के लिए वो सीधा महिला SHO से ही भिड़ गए? घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। राजस्थान में इन दिनों SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के लिए छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 दिसंबर की रात करीब 11 बजे का समय था। SHO कविता शर्मा प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को देर रात डिटेन करने उनके घर पहुंची थी। आरोप है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के घर के बाहर ताला लगा दिया था। जब इसकी जानकारी मंत्री किरोड़ी लाल को मिली तो वो घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद मंत्री किरोड़ी लाल और SHO की बहस शुरू हो गई। मंत्री जी हैं किरोड़ी लाल जी, मेरे को पता है पर मैं आ रही हूँ ना, नीचे आ रही हूँ, नीचे आ रही हूँ, हटो ना इसका, रात में बदमाशी कर रही है। किसके साथ आई हूँ सर? मैं मकान मालिक है मेरे साथ। बाहर ठीक होगा मकान मालिक। और सर मैं बात करने के लिए आई हूँ उससे। क्यों नहीं? रात में कहीं की बात करनी है? रात में तो आप ही तो आए हैं। रात में तुम कहीं की बात कर रहे हो? रात में सर ऐसा क्यों गुस्सा कर रहे हो? He is my man. वो मेरा आदमी है जिसको आप पकड़ रहे हो। आदमी क्या होता है सर? आदमी क्या होता है? चुपचाप नहीं चल रहा उसी रात किरोड़ी लाल एक और छात्रा के पास उसे बचाने पहुंचे जिसे देर रात डिटेन किया गया था। वीडियो में छात्रा का नाम मंजू बताया जा रहा है। किरोड़ी लाल SHO से पूछते हैं कि छात्रा के पेरेंट्स कहाँ हैं। जवाब में SHO कहती है मैं किसी को डिटेन नहीं कर रही, बस पूछताछ कर रही हूँ। वीडियो में नजर आ रहा है कि छात्रा को देर रात पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया था। कहाँ से गिरफ्तार किया आपको? और कोई महिला कांस्टेबल थी के साथ में? मतलब मैम थी ना साथ में। अच्छा, और कितने बजे आए ये? अपने घर कहाँ? मारा नहीं फोन कर। आपको क्यों पकड़ा? मुझे नहीं पता सर, मैंने पूछा मंजू बेटा आपके पापा को बुलवा। मंजू समझ सर, मंजू पापा को साथ क्यों नहीं लाई? मंजू इधर आओ। पापा को साथ क्यों नहीं लाई? मेरे को बात अकेले बच्चे को कैसे पकड़ लाई? बच्ची को पकड़ के नहीं लेकर आई सर, बात तो गाड़ी बैठा रखा है तुम्हारी में। मैडम ये 11 बजे कौन सा समय होता है बात करने का? आप बताइए ना, आपने पहले इनको नोटिस दिया था क्या? मैडम आपने नोटिस दिया था क्या इनको पहले? खबर की शुरुआत में आपने एक वीडियो देखा था जहां एक शख्स के घर के बाहर ताला लगा दिया गया था। इनका नाम विकास बिधूड़ी है। ये छात्र नेता है और SI परीक्षा 2021 को रद्द करने के प्रोटेस्ट में काफी एक्टिव है। विकास 11 नवंबर को परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। वो किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। देर रात उनके घर के बाहर ताला लगा दिया गया था। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर का दौरा करेंगे। किरोड़ी लाल का आरोप है कि पुलिस को गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी गई थी कि छात्र दौरे के बीच में प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए पुलिस गलत तरीके से स्टूडेंट्स को हिरासत में ले रही है। किरोड़ी लाल ने यह भी आरोप लगाया कि उनके और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने SHO को भी फर्जी पुलिस बताया। ये मेरा छवि खराब करने का काम हमारी सरकार के कुछ अधिकारियों ने किया है और वो CMO CM और मेरे में दूरी पैदा करना चाहते हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और ये कविता शर्मा कौन है? ये खिलाड़ी के कोटे से भर्ती हुई है, ये फर्जी भर्ती है इसकी, ये कोई खिलाड़ी नहीं, इसने कोई पदक नहीं जीता। और DCP संजीव नैन ने इसकी जांच की थी, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, इसकी जांच ATS ने की है और ATS ने यह प्रमाणित किया है कि ये कविता शर्मा दोषी है। एक लड़की जो कुंवारी है
ये थाना गाजी के रहने वाले हैं, अपने सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा के सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसका कोई दोष नहीं है, इसको ये घर पर तीन मेल और कविता खुद गई, इनसे धक्का मुक्की की, बाप को कुछ जवाब बताया नहीं और रात के 11:30 बजे इसको उठा के कविता शर्मा ले गई। घंटों तक इसको गाड़ी में बैठाए रखा, मैं इसको छुड़ा के लाया और इनके पिताजी को जाके इस बच्ची को सुपुर्द किया। मामले में महेश नगर थाना अधिकारी कविता शर्मा का पक्ष भी सामने आया है। उन्होंने बताया सीनियर ऑफिसर्स के आदेश थे कि छात्र नेताओं से बात की जाए, उन्हें समझाने का प्रयास करें, इसलिए मौके पर जाकर छात्र नेताओं से बात करने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस छात्र नेता विकास बिधूड़ी के घर गई तो विकास ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और मंत्री किरोड़ी लाल मीना को फोन कर दिया। और अब जयपुर की महेश नगर थाना पुलिस ने किरोड़ी लाल के खिलाफ रोजनामचा में रिपोर्ट डाली है। मंत्री पर राजकार्य में बाधा डालने का आरोप है। बताते चलें कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीना को लेकर अटकलें हैं कि कुछ दिनों से वो भजन लाल सरकार से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने 5 दिसंबर को एसआई परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया था। ऐसे में जब पुलिस आंदोलन के आयोजक छात्र छात्राओं को पकड़ने के लिए पहुंची तो मंत्री जी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और दोनों की बहस शुरू हो गई। इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।